प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो आपत्तिजनक, अपमानजनक और घनघोर भर्त्सना योग्य यह पोस्टर दिखाई पड़ा है, सारे भारत के मन में शक पैदा होता है कि भारत विरोधी स्थापित और प्रायोजित शक्तियों के मोहरों के साथ गलबैयां और मुलाकात करके राहुल गांधी अभी कुछ दिन पूर्व ही लौटे हैं, कहीं ये उसका आफ्टर इफेक्ट तो नहीं है, या ये वही जमात है जो अभी कुछ दिन पहले भारत विरोधी शक्तियों के मोहरों को राहुल जी से मिला रही थी और आज उसी जमात का असली नफरती चेहरा नफरत की इस दुकान के विज्ञापन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यह भारत विरोधी नफरत की दुकान का इश्तेहार है और अधिक दुख इस बात का होता है कि उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 10 वर्षों में भारत को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाया, जिसने 26 करोड़ लोगों को इन 10 वर्षों में एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला, जिसने भारत को डिजिटल रिवोल्यूशन का सिरमौर पूरे विश्व में बनाया, जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को इस स्थिति में पहुंचाया कि 10 वर्ष पूर्व भारत का कोई ऐसा क्षेत्र, राज्य, बड़ा शहर नहीं था जहां आतंकी हमले ना होते, वो वहां से निकाला और भारत की आंतरिक सुरक्षा को इतना प्रबल और सुदृढ़ किया, जन जन तक भारत के विकास के सोपान को पहुंचाया और भारत के सामाजिक परिवर्तन का भी सबसे बड़े प्रतीक बन के वो प्रधानमंत्री उभर के आया, क्योंकि पिछड़े समाज से आने वाले वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सर्वसम्मति के साथ कुर्सी पर आए और संपूर्ण विश्व में उन्होंने भारत का मान ऊंचा किया। एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जो मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए और एकमात्र विश्व के राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति और जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, दोनों के साथ गले मिलते हुए फोटोएं दिखी। मगर अफसोस की बात यह है कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो हर भारतवासी के लिए भारत के गौरव, राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रवाद के एक महामेरु पर्वत, मेरु पर्वत हमारे यहां बड़ा प्राचीन संस्कृति में शुभ और प्रसिद्ध पर्वत माना गया है, उसके रूप में दिखाई पड़ते हैं और दूसरी तरफ यह नफरती दुकान का इश्तेहार उसके ऊपर बहुत हल्के स्तर का निम्न स्तरीय प्रहार करने का प्रयास दिखता है। तो ऐसे विज्ञापन देने वाले लोग जो भले ही मुखौटा कोई और लगाए हो, सारा देश समझ रहा है कि पीछे से वो किसके द्वारा संचालित है, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि मोदी जी आज राष्ट्रवाद के महामेरु हैं, तो राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, भारत विरोधी ताकतों में ये घबराहट का तहलका है। तो ये विज्ञापन इश्तेहार भारत विरोधी शक्तियों की खिसियाहट, बौखलाहट और घबराहट का प्रतीक।